दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 20 अगस्त का दिन है और उसके साथ साथ शनिवार का दिन है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हरिद्वार के हर की पैड़ी के प्रमुख दर्शन कराऊंगा और माँ गंगे की भी दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आज की इस वीडियो में कुछ जानकारी है और हर की पैड़ी के कुछ ऐसे दृश्य आज की इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे जो शायद ही बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे होंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हर की पैड़ी के प्रमुख घाटों पर और वहां से आप सभी को दर्शन कराते हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरह लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आज की इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश आना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को पूरा देख ले, उसके बाद ही प्लान करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव घाट के दृश्य हैं और इस पुल से होते हुए हर की पैड़ी के प्रमुख घाट तक हम आप सभी को ले चलेंगे, तो वीडियो में बने रहें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें ताकि ये ज़रूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था, सबसे जो ज़रूरी जानकारी है वो ये है कि हर की पैड़ी में आज जल बहुत कम है और इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ तो सिर्फ आपको रेत ही रेत नज़र आ रही होगी और जल की जो मात्रा है बहुत कम है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि जब जल कम हो जाता है तो जल में यहाँ पर जो कुछ लोकल व्यक्ति हैं वो मेटल्स, पैसे और रुपए के जो कॉइन्स होते हैं उनको ढूंढते हैं, तो वही कर रहे हैं ये लोग। दोस्तों दूसरी बात यह है कि आज जल में रेत की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि जो मैंने आज तक नहीं देखी है, और जब आप जल देखेंगे तो आपको भी पता लगेगा ये तो रेत, मतलब जल कहीं से नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा रेत जल में घोल दी गई हो और उसके बाद यहाँ बह रही हो। बाकी जब हर की पैड़ी के प्रमुख घाट तक पहुँचेंगे तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। मैं हाथों में जल लेकर आपको दिखाऊँगा, आज तक इतनी रेत मैंने शायद ही कभी देखी हो। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं नाई घाट में और नाई घाट में आप देखते रहते हैं कि जल का जो बहाव है बहुत तेज रहता है, लेकिन आज बहुत ही शांत है, बहुत कम है आज के दिन जल। और ये पैड़ियां भी लगभग 2-3 पैड़ियां जल में डूबी रहती थी लेकिन आज खुली हुई दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों अब मैं जल के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं, आप सभी को हाथों में गंगा जल लेकर दिखाएंगे और जब आप ये दृश्य देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये गंगा जल जैसा है, इतनी ज़्यादा इसमें रेत की मात्रा है कि सच में आपको देखकर ही हैरानी होगी। देख सकते हैं आप, और इतनी रेत तो मैंने भी आज तक नहीं देखी है। दोस्तों यहाँ से भी आप देख सकते हैं जल में ऐसा लग रहा है कि रेत का कोई ढेर हो उसको घोल दिया गया हो। दोस्तों आइए आप सभी को ब्रह्मकुंड घाट की ओर ले चलते हैं जहाँ पर जल इतना कम है कि श्रद्धालु सही से डुबकी भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो आइए चलते हैं। दोस्तों अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो 1-2 दिन इंतज़ार करें और जब जल में रेत की मात्रा थोड़ी कम होने लगेगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा, उसके बाद प्लान करेंगे तो आप सही रहेगा।
और इस समय तो जल भी इतना कम है कि डुबकी लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं लोग आसानी से काफ़ी अंदर तक जा रहे हैं, लेकिन उनके पैरों के घुटने के आसपास जल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से जल में इतनी ज़्यादा रेत की मात्रा दिख रही है और जल भी कम है। तो दोस्तों, पहाड़ों में और कल की रात हरिद्वार में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और सुबह भी आज बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से जल में जो रेत की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और जब बारिश इतनी हुई है तो आप सोच रहे होंगे कि जल कम क्यों है। तो जल कम इसी वजह से है कि जब रेत की मात्रा बढ़ जाती है तो हर की पैड़ी की तरफ जो ये जल का बहाव है इसको कम कर दिया जाता है और उतना ही जल रखा जाता है जितने में श्रद्धालु ठीक ठाक स्नान कर लें। बाकी जो जल है वो नील धारा की ओर, चंडी देवी मंदिर की ओर जो धारा है मेन धारा, उससे जल उससे निकाला जाता है। ये देख सकते हैं लगभग 3-4 पैड़ियाँ घंटाघर घाट की भी नज़र आ रही हैं, तो लगभग जो जल है वो कम से कम 4-5 फीट इस समय कम है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट। दोस्तों, अब मैं घंटाघर घाट में पहुँच चुका हूँ। देख सकते हैं घंटाघर घाट के ये दृश्य। रेत कितनी भी आ रही हो, लेकिन जो श्रद्धालुओं का गंगा जल में स्नान करना, वो उसी आस्था के साथ स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट में भी जल इतना कम है कि बीच में रेत का ढेर नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मकुंड घाट में भी काफ़ी ज़्यादा लोग स्नान कर रहे हैं और काफ़ी अंदर तक आ रहे हैं, लेकिन उनके घुटने के आसपास ही जल है। दोस्तों, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ये वीडियो आप सभी 20 अगस्त के दिन की देख रहे हैं। समय की बात करें तो लगभग 2-3 बजे के आसपास का समय है और यहाँ पर देख सकते हैं ये मालवी घाट है और इस तरफ है महिला घाट। जल का जो रंग है वो रेत ने पूरी तरह से बदल के रख दिया है। एक तो इतना कम जल और उसमें भी रेत की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर तो स्नान करना कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आप सभी को ज़रूरी जानकारी देने के लिए। और दूसरी बात ये, अगर आप लोग प्लान करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID मुकेश हेल्प नाम से है। और जब जल थोड़ा सा क्लियर होने लगेगा, रेत की जो मात्रा है वो कम होने लगेगी, तो मैं आपको उसकी जानकारी भी दे दूंगा। दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।